हेलो, नमस्कार, प्रणाम, महादेव। मैं संदीप फिर से एक बार आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ। दिन है सोमवार, आखिरी सोमवार है सावन का। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ पनीर 65। मेरे एक फ्रेंड है, उसे बहुत पसंद है, उसकी ये रेसिपी, उसे खाना है कि पनीर 65। मेरे को मुझे तेरे हाथों की खानी है। आज मैं झटपट से बनाऊंगा पनीर 65। बहुत ही अच्छा, बहुत ही, और ये कोई चाइनीज रेसिपी नहीं है, ये हमारी चेन्नई हैदराबाद की रेसिपी है। बहुत ही अच्छी लगती है, आप घर में बना के देखो, घर में ज़्यादा टेस्टी बनती है, रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी आपको घर में लगेगी, बहुत इजी वे में बनती है। चलिए दिखाते हैं कैसे बनती है पनीर 65। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम पनीर लिया हुआ है, इसे मैंने क्यूब्स में काट लिया हुआ है। आप अपने मनपसंद के शेप में कट कर सकते हो। इसे मैं एक बाउल में डाल दे रहा हूँ, ये देखिए, इसे मैंने एक बाउल में पुट कर दिया। और यहीं पे हम लेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इसे कलर, ये तीखी नहीं होती है, कलर के लिए है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है यहाँ पे। स्वाद अनुसार नमक ले रहे हैं हम। और यहीं पे मैं ले रहा हूं मैदा, 3 टीस्पून मैंने मैदा लिया है भर भर के। और यहां पे 2 टीस्पून मैं लूंगा कॉर्नफ्लोर। पहले इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथों से। पनीर हमारे बहुत सॉफ्ट है, इसे हल्के हाथों से आप मिक्स करिए ताकि ये पूरी कोट हो जाए एक दूसरे में। हमने मिक्स कर लिया है, कोट कर लिया चारों तरफ से। और यहीं पे हम 2 टीस्पून भर के दही डाल देंगे। और दही से इसको पूरा मिक्स करना है, इसे मतलब पेस्ट टाइप का इसका बनाना है, बहुत ही सूखा नहीं रहना है। थोड़ी सी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसमें। मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, हाथों से ही हल्के हल्के मिक्स करिए, चम्मच से ये टूट जाएगी, पनीर बहुत सॉफ्ट होती है। मैं करी पत्ते डालना भूल गया था, यहाँ पे मैंने करी पत्ते को अच्छे से कट कर लिया, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप दही नहीं डालना चाहते हो, दही नहीं पसंद है, तो आप हाफ नींबू का रस डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए, तब इसका ऐसा ही मतलब गाढ़ा पेस्ट बना के चारों तरफ से कोट हो जाए। यहाँ पे कढ़ाई मैंने गर्म होने रख दी थी, तेल हमारा गर्म हो, मैं चेक कर लेता हूँ तेल हमारा गर्म है कि नहीं। ये देखिए तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म है। अब यहीं पे मैं पनीर के पीसेस डालता जा रहा हूँ, एक एक पीस करके इसी तरीके से हम सारे पीसेस डाल देंगे। ये अभी सस्ते क्या है, इसे पलट दे रहे हैं, ये अभी चिपकी हुई, तो इसकी आप फिक्र मत करिएगा, जब पूरी तरह से पक जाएगी खुद ही निकल जाएगी, खुद ही अलग अलग हो जाएंगे आपके पनीर के पीसे। ये देखिए हमारे पनीर क्रिस्पी हो गए हैं बिल्कुल। इसे अब मैं एक प्लेट में निकाल लेता हूँ। पनीर हमारी फ्राई हो गई है बिल्कुल, आप देख रहे हैं बहुत ही क्रंची है, अंदर से बहुत ही जूसी है। तो ऐसे ही आपको ये करना है। मीनवाइल फिर यहाँ पे मैं इसकी ग्रेवी बना ले रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल रखा है सेम कढ़ाई में, और गैस की फ्लेम ऑन कर दिया हूँ मैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3 से 4 हरी मिर्च है, आप चाहे तो लाल मिर्च भी ले सकते हैं। इसे डाल दे रहा हूँ, करी पत्ते डाल दे रहा हूँ, करी पत्ते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये 2 टेबल स्पून भर के मैंने अदरक, ये लहसुन लिया है, इसे हम डाल दे रहे हैं। और सारा अब ये ना फुल फ्लेम पे ही करना है, जो भी हमें करना है धीमे, बस इसे भूनते हैं। यहीं पे थोड़ा ये भून जाए तो यहीं पे हम 1 टेबल स्पून चिली सॉस डाल देंगे, रेड चिली सॉस है, इसे भी मिक्स कर लेना है अच्छे से। टेबल स्पून मैंने टमाटो सॉस डाल दिया है, इसे मिक्स कर ले रहे हैं। यहीं पे मैंने काली मिर्च डाल दिया है, और ये मैंने
कि उसमें प्याज कट कर दिया है वो डाल दे रहा हूँ। कैप्सिकम है, शिमला मिर्च मैंने हाफ से कम शिमला मिर्च लिया है, और प्याज इसे हमें एक मिनट तक फुल फ्लेम पे ही भूनना है। एक मिनट हो गए हैं, मैंने इसे फुल फ्लेम हाई फ्लेम पे भून लिया है। अब यहीं पे मैंने यहाँ 4 टेबल स्पून दही लिया है बड़े चम्मच भर भर के, और इसे मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल रहा हूँ, कॉर्नफ्लोर मिक्स कर दे रहा हूँ। और यहीं पे कलर आने के लिए, अगर आपके पास फूड कलर हो तो फूड कलर डाल दीजिए। मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहा हूँ 1 टेबल स्पून, इससे कलर बहुत अच्छा, रेस्टोरेंट में इसी ऐसा ही मिलता है, ये तीखी नहीं होती है। इसे अच्छे से हम फेंक लेते, इससे आपकी दही फटेगी नहीं कॉर्नफ्लोर डालने से। दही हम मिक्स कर दे रहे हैं। आप सॉस अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा सॉस पसंद है तो आप 2 से 3 टेबल स्पून डाल सकते हैं, मैंने 1.5 से 2 टेबल स्पून ही डाला है। बस इसे मिक्स करते हैं, फुल फ्लेम पे इसे मिक्स करना है। अनुसार नमक डाल दे रहे हैं, नमक मैंने अभी नहीं डाला था, नमक डाल दे रहे हैं। सॉस नमक थोड़ा आप हिसाब से डालिए क्योंकि सॉस में भी नमक होता है अपना। नमक मिक्स कर दे रहे हैं, और यहीं पे हम ये पनीर हमने किया था फ्राई इसे कर देते हैं। अगर आपको क्रंची और क्रिस्पी पनीर चाहिए तो आप गैस की फ्लेम इस समय ऑफ कर दीजिए और पनीर मिक्स कर दीजिए। मुझे थोड़ी सी सॉगी चाहिए तो मैं इसमें अभी गैस की फ्लेम ऑन किया हूँ, और 1 मिनट तक मैं इसको मिक्स करके भून लूँगा। फ्लेम फुल रहेगी, बस इसे मिक्स करना है, और हमारा ये रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर 65 बनकर तैयार है। 65 बनकर बिल्कुल तैयार है, ये अंदर से बहुत ही क्रिस्पी, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही जूसी है खाने में। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अंदर से मैंने कट किया है, ये देखिए बिल्कुल अंदर सॉफ्ट है, ऊपर से क्रंची है। तो आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपके पास स्प्रिंग अनियन हो, हरा प्याज हो, तो उसके पत्ते भी आप सॉटी करने में, फ्राई करने में डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने बहुत एफर्ट लगा के बनाया है, मेरे दोस्तों को तो बहुत पसंद है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, टेस्ट तो करा नहीं सकता हूँ आपको, तो प्लीज़ देख के ही बताइए कैसी लगी। और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब माई चैनल डैम डिलीशियस, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी मेरी रेसिपीज़ की नई कोई भी नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कल फिर मिलते हैं कुछ नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।